धनबाद में भाजपा ने पेट्रोल पंपों पर चलाया हस्ताक्षर अभियान, सरकार को वैट कम करने की मांग। कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने किया भाजपा पर पलटवार, कहा 2015 में रघुवर सरकार में भी वैट 18% से बढ़ाकर 22% कर दिया, उस पर भाजपा विधायक चुप। धनबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धनबाद रणधीर वर्मा चौक सहित विभिन्न पेट्रोल पंपों पर चलाया हस्ताक्षर अभियान। लोगों ने इस हस्ताक्षर आवेदन को झारखंड के राज्यपाल रमेश वैस को भेजा जाएगा, ताकि राज्यपाल के द्वारा ये मांग किया जाएगा कि जैसे केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये एवं 10 रुपये कम किए हैं, वैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल में अपनी वैट कम करे, ताकि आम लोगों को पेट्रोल और डीजल पर बढ़े दामों से थोड़ी निजात मिल सके। इस दौरान पेट्रोल पंपों पर तेल लेने वाले लोगों ने चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में धनबाद विधायक राज सिन्हा हस्ताक्षर करते नजर आए। पेट्रोल पर वैट वापस लो डीजल पेट्रोल पर वैट कम करो डीजल पेट्रोल पर वैट कम करो पेट्रोल पर वैट कम करो डीजल पेट्रोल पर वैट कम करो सरकार होश में आओ पर वैट कम करो डीजल पेट्रोल पर वैट कम करो सरकार होश में आओ। रुपए से पार हो गए थे तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी कि डीजल पेट्रोल के दाम को कम करें। आप लोगों ने भी कवर किया था, बहुत हमारे साथी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आ करके और लोगों को लड्डू खिला रहे थे कि शतक लग गया। यह आवाज़ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनी और उन्होंने केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम किया। आज 100 रुपये से कम 90 रुपये के आसपास, 90-92 रुपये के आसपास दाम कम हो गया। जो लोग कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के लोग जो लोग मांग कर रहे थे कि दाम कम करो, केंद्र सरकार ने दाम कम कर दिया। अब जो है देश के अंदर जितनी भी एनडीए शासित राज्य हैं उन लोगों ने अपने राज्यों में भी वैट को कम कर दिया, लेकिन यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार चल रही है, यहाँ की जनता अब इनसे मांग कर रही है कि यहाँ भी वैट कम कीजिए, लेकिन ये लोग वैट कम नहीं कर रहे हैं। और इसलिए हम लोगों ने आज यह जनता हर पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने ये बैनर लगाया है और हेमंत सरकार से कांग्रेस सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि आप भी वैट कम कीजिए। जो लोग भी डीजल पेट्रोल बढ़ाने आ रहे हैं देख रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं कि भाई आप कम करना चाहते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं कि चाहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर कीजिए और वो आज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जनता की आवाज़ हम लोग आज इस माध्यम से हेमंत के जो गूंगी बहरी सरकार है उसके तक पहुँचा रहे हैं और वैसे लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं। हमारे जो मित्र जो पेट्रोल पंप पे शतक पार करने पर लड्डू खिला रहे थे उन लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आइए, आपके माध्यम से मांग करते हैं, आइए सब लोग आइए, आज लड्डू बंद मत खिलाइए, नहीं मांग कर लड्डू खिलाने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि आप लोग भी आ करके, खास करके हमारे जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के जो मित्र हैं वो जनता के हित में अपनी सरकार से मांग करें भाई डीजल पेट्रोल पर आप भी वैट कम करें। आज उत्तर प्रदेश में 86 रुपये लीटर जा रहा है, 86 रुपये। वहीं भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता ने चुटकी ली। कांग्रेस नेता सह पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा 2015 में रघुवर सरकार में भी वैट 18% से बढ़ाकर 22% कर दिया, जिस पर भाजपा ने के विधायक चुप थे। आज वैट कम करने की मांग को लेकर सड़क पर हैं। साथ कहा कि पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन लगातार सरकार से वैट कम करने की मांग कर रहे हैं। देखिए आज भाजपा के लोग पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल के वैट में कमी को लेकर के धरना दे रहे हैं।
मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि 2015 में इन्हीं की सरकार ने वैट में वृद्धि की थी, 18 से बढ़ाकर 22% किया था। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि संगठन और सरकार दोनों का मिजाज एक क्यों नहीं रहता है, दोनों एक तरीके से क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं। उस वक्त रघुवर सरकार ने वैट में वृद्धि किया, हमारा एसोसिएशन लगातार तब से आंदोलन रहता है, उस वक्त भी हम लोग जितने इनके विधायक सांसद थे सबसे इसको घटाने के लिए करके मुलाकात किए थे, बात की थी, वो लोग हमारी बातों से सहमत भी थे। रघुवर जी से उन लोगों ने बात भी किया लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। आज जो सरकार में है ये उस वक्त विपक्ष में हुआ करते थे, इनसे भी हम लोगों ने बात किया था उस वक्त, और उस वक्त ये हमारी बातों से सहमत थे। आज भी जो संगठन है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो या कांग्रेस का हो, सुप्रियो भट्टाचार्य जी से हम लोगों ने मुलाकात किया, वो भी हमारी बातों से सहमत हैं कम होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं